हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम रीना है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये हैंकरचीफ है मेरे पास, इससे फेस मास्क बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना अभी शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक हैंकरचीफ है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। कोई भी हैंकरचीफ ले सकते हैं। तो ये मेरे पास कॉटन का है। अभी मैं इसका मेजरमेंट लूंगी, तो मेजरमेंट में यहाँ से लूंगी, ये हमारा बाहरी रहेगा ये पार्ट। यहाँ से हमारा मेजरमेंट है 9 इंच 9 इंच, यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने। और इस साइड से मैंने यहाँ से लिया है 6 इंच, ये देखिए 6 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब ये हमारा 6 इंच पे निशान लग गया है। अब इस लाइन को हम ऐसे बराबर खींच लेंगे ऐसे। ये हमारा मेजरमेंट हो गया है, इस जो भी निशान लगाया इसकी अभी हम कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा मैंने अभी कट कर लिया है, ये हमारा डबल कपड़ा है ऐसे। ये हमारा सेंटर का पॉइंट है। अब ये निशान लग गया है, इसके बाद ये मेरे पास इलास्टिक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये मैंने मेजरमेंट में देखिए, ये 6.5 इंच के करीब है, तो दो पीस काटेंगे ऐसे। अब इस साइड में यहां से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस साइड भी ये मैंने जो सेंटर की लाइन ली है, यहां से हम 1 इंच का निशान लगाते हैं। इस साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो ये निशान पे एक पे, ये दूसरे पे मैंने ऐसे इलास्टिक को रख दिया है। ये मैं हाथ से ही सिलना बताऊंगी आपको, तो मैं इसे ऐसे हाथ से ही सिलूंगी। तो पहले हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा के इनको अटैच कर लेंगे, जिससे कि ये हमारे हिलेंगे नहीं ऐसे। ऐसे 2-3 स्टिच लगा के हम ऐसे नोट लगा के यहां से काट देंगे। ये दूसरा भी हम ऐसे अटैच करेंगे और इधर का भी। अब ये इलास्टिक मैंने अटैच कर दी है। अब हम इस पार्ट को ऐसे उठाएंगे और ऐसे कोने मिला के ऐसे सेट कर लेंगे। अब देखिए, कपड़े को मैंने ऐसे सेट कर दिया, इलास्टिक हमारी ये अंदर की साइड आ गई है। अब ये मैंने निशान लगाया है यहां तक, ये भी यहां तक लगाया है। ये पार्ट हमारा ऐसे रहेगा और बाकी जो हमारा ये कलर वाला है, इसको हम स्टिच करेंगे। तो इस मास्क को मैं हाथ से सिलूंगी, क्योंकि कईयों के पास मशीन नहीं होती तो उनको सिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से सिलना बताऊंगी। तो ये मैंने धागा डाल लिया है, डबल धागा लिया है मैंने, और नोट लगा लेंगे हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो ऐसे नीडल को हम डाल लेंगे और यहाँ पे एक ऐसे नोट जैसा बना लेंगे, और ऐसे हम छोटा स्टिच या बैक स्टिच ले लेंगे या रनिंग स्टिच ले लेंगे। जैसे ये स्टिच लिया हमने, तो इससे हम बैक को आएंगे, छोटा स्टिच लेंगे ऐसे। ये हमारा आगे है, ऐसे आएगा ऐसे, फिर हम पीछे से ऐसे लेंगे आगे को। यहां पे हमारी इलास्टिक आ गई है, यहां पे हम 2 स्टिच ले लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक निकले ना। ये हम आगे को सुई निकालेंगे, फिर बैक को लेंगे ऐसे। अब देखिए, इतना मैंने सिल दिया है, पे भी हमारी इलास्टिक आ गई है दूसरी साइड की। एक तो हमारी यहां थी, एक यहां पे आ गई है। अब इस पे भी हम 2 स्टिच ले लेंगे। अब ये मैंने यहां तक पहुंच गई है, अभी हम यहां तक इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए, इतना मैंने सिल दिया है, यहां पे हमें छोड़ना है सिलाई को। तो यहाँ पे मैं एक नोट लगा लूंगी ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई को बंद करेंगे और धागा को काट लेंगे। ये हमारी एक साइड स्टिच हो चुकी है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही स्टिच करते हैं। देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से लगा सकते हैं। अब ये मैंने जो पार्ट छोड़ा था, हमने यहाँ सिलाई नहीं लगाई, इस पार्ट से हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। ये देखिए, हमारा सीधा हो गया है। ऐसे हम एक कोनों को ऐसे निकाल लेंगे। सीधा करने के बाद अभी हमारी ये शेप बन गई है। इसके बाद हमारा ये जो होल है, इसकी भी हम स्टिचिंग कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे नीडल में धागा डाल लिया है, एक साइड हम यहाँ इस कपड़े की और एक साइड इस कपड़े की ऐसे सिलते जाएंगे छोटे वाले स्टिच लेके। अब देखिए, ये स्टिचिंग भी मैंने कर दी है। इसके बाद हमारा ये जो इलास्टिक मैंने लगाई है और ये प्लेस है, इसका हम हाफ कर लेंगे और फिर इसका हाफ करेंगे
ऐसे निशान लगा लेंगे, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लगाते हैं। अब ये निशान हमारे लग चुके हैं, देखिए अभी हमारा ये निशान है, इसको उठा के ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और डबल कर लेंगे ऐसे, और ये दूसरा निशान है इसको भी हम ऐसे डबल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा हमारा, देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ये पिन लगा दूँ, इससे हमारा सिलने में इजी रहेगा ऐसे। अभी मैं सिलूंगी, तो सिलने से पहले ये जो हमारा ये इतना पार्ट है इलास्टिक के बाहर, इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाने शुरू करते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टिच लगाना शुरू किया है, ऐसे हम छोटे छोटे स्टिच लगाएंगे जिससे कि वो बाहर भी ना दिखे हमारे। यहाँ हमारे जो ऐसे फोल्ड किया हुआ है सारा कपड़ा हमारा सुई में आना चाहिए। ये मैंने इतना सिल दिया है, इसके बाद हम ये पार्ट भी ऐसे ही सिलते हैं, थोड़ा अच्छे से स्टिच लेके ना, पूरा यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाता है तो अच्छे से स्टिच लेके पूरा करें। अब देखिए एक साइड मैंने ये सिल के कंप्लीट कर दी है, इसके बाद हम ये भी ऐसे ही सिलेंगे। अभी देखिए दोनों तरफ से मैंने ये मास्क सिल दिया है, अभी हमारा ऐसे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा ये मास्क बनके एकदम रेडी हो चुका है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है, तो आप कहीं भी बाहर निकलें तो आप ऐसा कोई मास्क पहन के ही निकलें, जिससे कि हमारा अपना ही प्रोटेक्शन होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।